दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। टीम में 4 बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट के अंतर से जीत लिया था। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दूसरे टेस्ट के लिए भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। भारत के दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में कुल 4 बदलाव किए गए हैं। ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शाह की जगह शुभमन गिल को डेब्यू का मौका दिया गया। वहीं विराट कोहली की जगह रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत को टीम में चुना गया। वहीं चोटिल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 से उम्मीद थी कि केएल राहुल को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर राहुल पर अपना भरोसा नहीं दिखाया। कप्तान विराट कोहली की जगह टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए चुनी गई भारतीय टीम शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।